नाउ विल डू हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब तक हमने जो किया वो था फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नाउ वी विल स्टडी अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये तो हमको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह होता है, तो वो हर एक चीज़ को डैमेज कर सकता है. ह्यूमन बींग्स तो है ही, लेकिन वो प्लांट्स और एनिमल्स को भी डैमेज कर सकता है. सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन्स. जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको पैथोजन्स बोलते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड क्लोदिंग एंड लेदर. लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल, उनकी एक्टिविटीज क्या है. ओके, सो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन. पैथोजन्स क्या है? वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो हमको डिजीज करते हैं. पैथोजन्स एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीद. ऐसे भी एंटर एयर वाटर एयर ब्रीद करते हैं, पानी पीते हैं या फूड खाते हैं. किसी भी तरह से पैथोजन्स एंटर हो सकता है. दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड. ट्रांसमिटेड मतलब ट्रांसफर चिल्ड्रन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीड बाय एन एनिमल. जैसे कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे, जैसे कि मुझे कफ या कोल्ड हुआ है और मैं